अवैध लकड़ी भरी परिवहन कर रही आयशर वाहन जब्त की। सोता रहा वन विभाग, लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। धार जिले के ग्रामीण अंचलों से बड़े बड़े पेड़ों की कटाई की जाकर वाहनों में भरकर इंदौर के बड़े कारोबारियों को बिक्री करने का कार्य बड़े पैमाने पर जारी। आज बुधवार सुबह राजस्व कर्मियों ने बाग के समीप अवैध लकड़ी से भरी परिवहन करने वाली आयशर जब्त की। मौका पंचनामा बनाया जाकर आगे की कार्रवाई जारी। बुधवार सुबह बाग राजगढ़ मुख्य सड़क मार्ग बाग के पास ग्राम आगर के पास में अवैध लकड़ियों का परिवहन करते हुए आयशर वाहन के खड़े होने की सूत्रों से सूचना मिलने पर पत्रकारों ने नायब तहसीलदार को अवगत करवाया। इस आयशर वाहन में लकड़ियों के परिवहन करने का वन विभाग का परमिट नहीं था, जिस पर राजस्व विभाग की टीम ने लगभग 9:30 बजे आकर ढाबे के समीप खड़े आयशर MP 13ZH 1647 की तिरपाल खुलवाकर देखा। वाहन में बड़े बड़े सेमल नीम आदि पेड़ों के कटे हुए तने निकले। जांच के बाद मौके का पंचनामा बनाकर लकड़ी से भरे वाहन को पुलिस थाना बाग के परिसर में लाकर खड़ा किया गया। वाहन स्वामी ईश्वर भाभोर और चालक ने बताया कि वाहन में भरी लकड़ी आली राजपुर जिले के नानपुर क्षेत्र से कटाई कर भरी गई है। वाहन में लकड़ी परिवहन करने संबंधी कोई कागजात नहीं है। यह लकड़ियां इंदौर के लकड़ी मार्केट में ले जाकर बिक्री की जाती है। रास्ते में चेकिंग संबंधित सारी सेटिंग इंदौर के व्यापारियों की रहती है। लकड़ियां भर बेरोकटोक अवैध परिवहन करने की वाहन की चौथी ट्रिप है। कहां से लाए ये लकड़ियां? कहां से? नानपुर के पास से। कहां ले जा रहे थे इसको? इंदौर में। किनके यहाँ बेचते हैं आप? मतलब समझा नहीं, कोई व्यापारी तो होगा आपका टच में? व्यापारी वहाँ पे जाने के बाद में डिसाइड कर लेता कौन सा व्यापारी बढ़िया। अच्छा अच्छा, इसे कितनी ट्रिप डाल दिया आपने? ये इसकी कोई कागज या परमिट है आपके लकड़ी परिवहन का? किन किन व्यापारियों को बेचते हैं इंदौर? किनको बेचते हैं आप? पहला नाम क्या बताया? डायमंड और शिवा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए सीआईडी न्यूज़।